सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? यार आपका अपना छोटा सा प्यारा सा मैथ्स का ये चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है, उसके लिए सब लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया। जब इस चैनल की शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगता भी नहीं था कि 50 के सब्सक्राइबर्स कभी क्रॉस होंगे क्या। मगर मुझे एक बात पता थी कि कुछ भी हो मैं कंटेंट डालता रहूँगा। अच्छा सिखाने की, सही कंटेंट डालने की कोशिश करता रहूँगा। बस मैं कोशिश करता गया, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे भी स्क्रीन के आगे मैं खड़ा रहा हूँ, आंखें जलने लग जाती थी। अब तो ये हालत हो गई है कि पिछले कुछ दिनों से आंखों में परमानेंट दर्द रहता है। मगर बीच में एक छोटा सा ब्रेक मैंने लिया था क्योंकि आंखें बहुत दुखने लगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि आंखें तो भाई ऐसी रहेंगी, कंटेंट तो डालना पड़ेगा, डालना चाहिए। स्टूडेंट पूछते हैं नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, बिना रुके बिना थके मैंने कोशिश की है कंटेंट डालने की, और इसी के साथ आप लोगों ने भी बहुत सारे लेक्चर्स को खूब प्यार दिया है, इनफैक्ट सारे लेक्चर्स को ही खूब प्यार दिया है, उसके लिए मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों को। 50K का मार्क क्रॉस होते ही अब उम्मीद मुझे अपने आप से भी बढ़ गई है और उम्मीद आप लोगों से भी बढ़ गई है कि आप इस चैनल को और प्यार करें, इस चैनल की रीच को और बढ़ाने की कोशिश करें, अगर मैं अच्छा कंटेंट डालूं तो, अगर मैं यूज़फुल कंटेंट डालूं तो। और मुझसे ये उम्मीद बढ़ गई है कि मैं और क्या कर सकता हूं। एक बार मैं सिलेबस जो बचा हुआ हमारा है 11th और 12th का, ये कंप्लीट कर दूं, जो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं कंप्लीट करने के लिए। पेपर से तो 1.5-2 महीने पहले जेई का सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा, जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी लेक्चर्स मैंने 11th और 12th के चैप्टर्स के बनाए हैं, हर लेक्चर जेई मेंस और जेई एडवांस्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, एनडीए के स्टूडेंट्स, बिटसेट के स्टूडेंट सारे उन लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं और अपना पेपर फोड़ सकते हैं। इन एग्जाम्स में आने वाली हर बात को मैंने कवर किया है। जेई मेंस एडवांस्ड में एक रेफरेंस ले रहा हूं, एनडीए, बिटसेट, बोर्ड्स, ये सब कवर हो रहा है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सेट नहीं है जो सब्जेक्टिव में आता हो और मैंने ना कराया हो। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सेट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो जेई मेंस एडवांस्ड में आता हो और मैंने ना बताया हो। सब कुछ बताया है। और हर कॉन्सेप्ट को विद प्रूफ, विद एक्सप्लेनेशन बताया है। ये मुझे लगता है इन लेक्चर्स की एक यूनिक बात है। हर कॉन्सेप्ट को विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रूफ, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। बोलने का तो काफी कुछ मन हो रहा है, मगर मैं तो यही कहूंगा कि बोलने का तो काफ़ी कुछ मन हो रहा है मगर एक वीडियो में कितना ही बोलें, आपसे जल्दी जल्दी अपने विचार रखने के लिए मैं आता रहूँगा। एक इमोशनल सा दिन है, एक इमोशनल सा वक्त है ये कि हम उस मार्क को रीच कर गए, बिल्कुल जीरो से स्क्रैच किया था। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, हाथ फैला के हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।